तो क्या हाल चाल मेरे भाई बहनों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या बात है भाई, देख रहे हो आज का स्टेटस बिल्कुल है तालाब के बीचों बीच, मतलब जी हाँ समुद्र के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच। और देख रहे हो भाई, लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, कितनी सारी बोट्स हैं, मज़े कर रहे हैं लोग, तो भाई क्या बात है। ढेर सारे कपल्स भी हैं, चलो यार इनको एंजॉय कर रहे दो। लेकिन यार एंजॉयमेंट हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए नहीं है, हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए तो भाई सिर्फ आज का स्टंट रेस है और इसकी गुड कमाई जो कि है सीधा $50 मिलियन की मेरे भाई। चलो जी अब आगे होने वाली है चढ़ाई, देखते हैं कि क्या होता है। बूस्टर लगा लेना चाहिए था लेकिन नहीं है। ये क्या कर दिया भाई साहब, बिल्कुल हल्के से लगा के बता भाई, जैसे चोरों की तरह चढ़ते हैं बिल्कुल सीढ़ी पे, ऐसा चढ़े हैं भाई साहब स्टंट रेस पे। खैर लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस ही बताएगा कि क्या होगा आगे। बहुत अच्छा चल रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे है चिकनाई जिसमें कुछ भी समझ नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, स्पेसशिप में बहुत शानदार कट लिया है। हौले हौले चल रहे हैं लेकिन यहीं गड़बड़ हो गई, यहीं पे पानी में गिर गए कलुआ भाई, बहुत गलत हो गया। चलो जी इसी के साथ हमारे कलवा भाई की भाई पहली लाइफ लाइन तो हुई खत्म। क्या नज़ारे हैं, क्या धूप है, क्या खिलखिलाता मौसम है। चलो जी फिर से बारी आ चुकी है हमारे नोबिता भाई की जो कि है विनर, बड़े बड़े चश्मों के साथ और भैंसे जैसे सिर के साथ। पता नहीं भाई साहब ये इंसान है या एलियन, सिर ही इसका इतना बड़ा है, लेकिन इसको भी आगे चढ़ना होगा। बूस्टर लगाया है बहुत ही शानदार, और क्या बात है धूम 3 की याद दिला दी, ऐसा जंप मारा है बहुत सही। लेकिन आगे आगे हौले हौले चलो। अरे यार ये तो वही बाइक है जैसा कि हमारे कलवा भाई के पास है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन्होंने चूज़ की है। देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं या फिर पानी में डुबकी मारते हैं। स्लो स्लो बढ़ रहे हैं, स्पेसशिप आ गया इनके लिए भी। ओ यहाँ पर बहुत शानदार ब्रेक मारी, वरना तो डुबक जाते। ओ हो, आगे है रेल की पटरियाँ, संभल के चलें। बहुत सही, ऑब्स्टिकल से बच के रहें, टायर में ना फंसने दें क्योंकि पतला है ट्रैक, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं आगे नहीं चढ़ पा रहा है, लगता है बाइक कमज़ोर है। हौले 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 हौले, हॉट एयर बैलून, संभल के चलें, आगे आगे बढ़ के चलें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे चल रहे हैं, पतला है ट्रैक, ऑब्स्टिकल्स की वजह से कुछ नहीं दिख नहीं रहा। नहीं 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 शायद एक मौका था कि गिरे नीचे, तो शायद अगर प्लेट पे गिर जाते तो बच जाते, लेकिन किस्मत है बेकार, क्या कर सकते हैं मेरे यार। अरे वाह मेरी बारी आ ही गई, दोनों कहीं के मनहूस खिंच रही आते यार, इन लोग को तो स्टेटस के नाम पे बस टाइम पास करने आ रहे हैं। अब देखना मैं बताता हूँ कि स्टेटस कैसे खेला जाता है बिल्कुल प्रो प्लेयर की तरह। देखो ए टिंगू, ओए तू ज्यादा बकवास नहीं कर रहा टिंगू, तू है बोल मत, तेरी हाइट है बिल्कुल मेरे घुटनों के नीचे टिंग है। अबे हाइट से कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस से होता है, और मेरा परफॉर्मेंस तुझसे बहुत ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पर हो रही है लड़ाई बट, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा फायदा मेरे भाई, क्योंकि स्टेटस पे ध्यान दो तुम हो या फिर कलुआ भाई। चलो जी आगे आगे बढ़ रहे हैं, स्लो ही सही लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर से हम उम्मीद करेंगे कि ये जरूर आगे बढ़े, वहीं पे ना गिर जाएं जहां कलुआ भाई। नहीं बाइक की लंबाई ज्यादा होने के कारण आगे वाला टायर संभाल नहीं पाए, और इसी के साथ सिंचन भाई भी पानी में गिर गए। क्यों मैं टेंगो बहुत बकवास कर रहा था, क्या हो गया? अभी तुझसे तो मैं आगे ही आया था ठीक है ना, तुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो तू तो बकवास ही मत कर। चलो जी कलो भाई का ये है लास्ट लाइफ लाइन, देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस देते हैं, जीतते हैं या फिर पानी में डूब के अपनी इज्जत डुबाते हैं। शुरुआत कर दी है बिना हेलमेट के, बकचोदी नहीं चलेगी, हेलमेट तो लगाना पड़ेगा, सेफ्टी मेजर्स को पूरा करना पड़ेगा। बूस्टर लगाया है एंड मौके पे, बिल्कुल बच गए हैं वरना पानी में जाते अभी ही। बहुत सही, स्लो स्लो बढ़ना होगा, हौले हौले चलना होगा अगर स्टंटर जीतना है तो, लेकिन अगर बकचोदी करनी है तो अभी से ही कूद जाएं। जी हाँ अभी तक कोई भी प्लेयर सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है, देखना होगा कि क्या होता है हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस। बहुत सही, यहाँ पर बसते हुए, बहुत ही पतला ट्रैक है। हौले हौले चलते रहें, धीरे धीरे बढ़ते रहें, क्या बात है बिल्कुल अब
फर्स्ट स्टेज के बाद ही सीधा थर्ड स्टेज। लगता है आज का स्टंट रेस छोटा है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, लंबा है स्टंट रेस, हौले हौले चलना होगा। बहुत सही, आगे है ऑब्स्टिकल। नहीं, शट 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 शट, यहाँ पर गिर गए, बच गए, बच गए भाई। किस्मत सही थी कि भाई साहब स्टार ट्रैक से नीचे नहीं गिरे। बहुत ही पतला ट्रैक है, संभल के संभल के, थोड़ा सा भी अगर टायर में फंसा तो सीधा नीचे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आसपास, बेइज्जती हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। और क्या बात है, बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल जी हाँ, आ चुका है सेकेंड स्टेज। और ये क्या, ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर हैं। ऑब्स्टिकल्स देख के भाई साहब बंदा डर जाए, लेकिन कलवा भाई तुम्हें स्टार्ट करना होगा सेकेंड स्टेज। जी हाँ, बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं शो कर पा रहे। बिल्कुल बूस्टर लगा लगा के जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये लो भाई, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया बीचों बीच हमारे रास्ते में है, पानी में कूदता है। चलो अच्छी बात है, पानी में कूद गया, वरना तो भाई साहब हमारा कलवा भाई ठोक ही देता। एक और सामने बोट दिख रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्टंट चल रहा है, साइड में है, इसको कुछ ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नहीं, हमारे कलवा भाई दोस्तों बकचोदी करने से थोड़ी पीछे हट सकते हैं। आगे होने वाली है चढ़ाई, और मेरे ख्याल से ये है थर्ड स्टेज मेरे भाई। ऊपर चढ़ाई करना होगा, हौले हौले बढ़ना होगा। जी हाँ, बहुत सही, बच गए बच गए बच गए। ओहो, बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है रास्ता सीढ़ियों का, यानी कि अब हौले से चढ़ के निकलना होगा इसके ऊपर से। बहुत अच्छे, इसी के साथ कलवा भाई पहुंच चुके हैं आज के स्टंट रेस के बिल्कुल जी हाँ सेकंड स्टेज में। और देख रहे हो ढेर सारी कार्स, इसमें से कोई एक ही इस्तेमाल करेगा हमारा कलवा भाई, लेकिन अगर जीतेगा तो ये सारी सुपर कार्स मिलने वाली हैं। जितनी भी बाइक्स पीछे में थी वो सब मिलेंगी, बोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिलहाल करो सेकंड स्टेज की शुरुआत। जी हाँ, कार बहुत मस्त ली है। चलो जी, हो गई है शुरुआत सेकंड। ओ बिल्कुल बच गए, स्लो स्लो चलना होगा। बहुत सही, आगे बर्गर। लेकिन यार एक ही है, हमें अच्छा नहीं लगा, स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, कट्स बिल्कुल सांप के जैसे। लेकिन जी हाँ, बहुत सही बहुत सही, बूस्टर लगा लिया है, बच गए बच गए बूस्टर लगाने से, वरना तो पानी में जाते इतना आगे आने के बाद भाई साहब गिर जाते। आगे है चढ़ाई, लेकिन उससे पहले क्यों बकचोदी हो रही है मेरे भाई। स्लो स्लो बढ़ते रहें, धीरे धीरे चलते रहें। विनिंग प्राइस बहुत बड़ा है, हार गए तो मुश्किल होगी। $50 मिलियन और उतनी सारी कार्स, बच गए यहाँ पर। स्लो स्लो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, टर्न है, आगे है चिकना सरफेस। बिल्कुल बहुत अच्छे समय पे ब्रेक मारा है, वरना तो अभी तो नीचे गिर जाते। क्या बात है, खतरनाक था टर्न, हैवी वेट है होने वाला है। बॉल, सारी बॉल्स गिरी नीचे। ओहो, चलो जी, फुटबॉल फुटबॉल, संभल के, ज़्यादा स्पीड में नहीं कंटेनर्स के ऊपर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा सा आ गया स्पेसशिप, कर दी है चढ़ाई, और बहुत अच्छे मेरे भाई। क्या बात है, यहाँ पे तो स्पीड को ज़्यादा ही है, लेकिन हैवी वेट बॉल ने सारी स्पीड कम कर दी। बहुत अच्छे, पतला है ट्रैक, संभल के लेना होगा टर्न। बिल्कुल सामने है फिनिश पॉइंट, नहीं नहीं फिनिश पॉइंट सामने नहीं है, फिनिश पॉइंट नीचे ही होने वाला है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कट ज़्यादा तेजी दे रहे हैं, हौले हौले चलें वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरे ये क्या, हाथी निकल गई, पूछ अटक गई की वाली बात हो गई यहाँ पर तो। संभल कर, बहुत अच्छे बच गए। लो जी लो जी लो जी लो जी, बहुत सही बहुत सही, क्या बात है, हौले हौले नीचे। जी हाँ, वो रहा सामने फिनिश पॉइंट। कलवा भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, यह जी हाँ। ओहो भाई साहब, एक्साइटमेंट पूरी थी, लगा था कि सीधा फिनिश पॉइंट पे पहुंचेंगे, लेकिन नहीं, हौले हौले ही बढ़ना होगा। क्या बात है, लो जी कैंप ओप सब उड़ाते हुए कलवा भाई पहुंच चुका है बिल्कुल फिनिश पॉइंट पे, और इसके साथ हमारा कलवा भाई बन चुका है आज के स्टंट रेस का विनर। क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस। लगा नहीं था भाई क्या अपने लास्ट लाइफलाइन में ऐसा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत अच्छा
परफॉर्मेंस दिया और इसके साथ बन चुका है कलो भाई हमारा आज का स्टंट रेस का विनर। और इसे मिलेंगे भाई सब सारी व्हीकल्स जो कि स्टंट रेस में यूज़ होने वाले हैं या फिर यूज़ हुए हैं, जिसमें है सोहो सुपर कार्स, बाइक, बोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मिलेंगी $50 मिलियन और हमारे कलवा भाई को स्पेशल पर्सनल एक चमचमाती हुई सुपर कार। क्या बात है भाई, एम्बुलेंस आ भी गई, क्या बात है, देखते हैं भाई ये लोग क्या काम करते हैं। कुछ भी काम नहीं किया, बस ऐसे ही निकल गए काम चोर कहीं के। अरे वेपन्स नहीं है वरना उड़ा देता अभी इन्हें। चलो जी, कलवा भाई की आ चुकी है सुपर कार, जो कि सुपर कार नहीं, ये है हाहाकार, छोटी सी बुलेट के जैसी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा महंगी, क्योंकि भाई साहब ये है इम्पोर्टेड कार जो कि स्पेशली मंगाई गई है कलवा भाई के लिए। क्या बात है भाई साहब, देख रहे हो इसके व्हीकल, मतलब क्या बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है भाई। लेकिन कलवा भाई तुम थोड़ा संभाल के चलो यार, कार को थोड़ा सा भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी कार है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अरे वो सब तो ठीक है, मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि नोबिता और शिनचैन भाई दोनों ही पहुंच चुके हैं घर पे, पार्टी शार्टी की तैयारियां चल रही हैं, मज़े करूंगा मैं तो, पार्टी करने वाला हूं। आज इतनी सारी सुपर कार्स मिली हैं, आज से पहले कभी नहीं मिली, इसीलिए आज बड़ी सी पार्टी दूंगा शानदार सी। चलो जल्दी से चलते हैं। तो चलो अभी कर रहे तैयार, इनको परेशान ही करने दो, मज़े हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। ड्राइवर को भी ले ले, ड्राइवर इधर ही रहता है। अरे नहीं उसे नहीं लूँगा, वो तो गंदगी मचा देगा पार्टी में, लीचड़ों की तरह रहता है वो तो, लीचड़ कहीं का। माइकल को बुला लूँगा अगर बुलाना होगा तो।